है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, और प्याज सबके घर में होती है। अब हम इसे छीलते हैं। और यहाँ पे हमने लिया है ग्रेटर और इसे ग्रेट करेंगे। आप इसके बारीक बारीक छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने प्याज को ग्रेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स हमने पैन रख दिया है, और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं सरसों का तेल। तो फ्रेंड्स सरसों का तेल ही यूज करें, ये रेमेडी सरसों के तेल में ही बनेगी। ये देखिए, आप जितना क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं। और ये देखिए, आप इस तरह से हीट करके देख सकते हैं। ज़्यादा हमें तेल नहीं गरम करना। अब हमें डाल देनी है प्याज, डाल दी है। ज़्यादा तेज तेल गरम में डालेंगे तो हमारी प्याज जल जाएगी, तो हमें हल्का ही गरम करना है और प्याज डाल देनी है। ये देखिए, इससे क्या होगा, हमें प्याज का जो भी रस है वो तेल में निकल के आ जाएगा। और इसे हम इस तरह चलाते रहेंगे, गैस को हम स्लो ही रखेंगे। और जैसे ही हमने प्याज डाली है, झाग उठने लग गए हैं, यानी कि प्याज का हमें पूरा असर तेल के अंदर दिखाई दे रहा है। तो हमें इसी तरह ये चलानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर तेल तेज़ गर्म होता तो हमारी प्याज एकदम लाल पड़ जाती, काली पड़ जाती। तो हमें स्लो मीडियम गैस पे ही ये पकाना है, जिससे कि दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये हमें जब तक स्लो गैस पे पकानी है, जब तक कि प्याज हमारी धीमी धीमी आंच पे लाल ना पड़ जाए, यानी कि प्याज अच्छी तरीके से ना पक जाए। तो फ्रेंड देखिए, प्याज हमारी लाल पड़ गई है, और यानी कि दोनों की क्वांटिटी आपस में अच्छे से हो गई है। और अब हम गैस करते हैं बंद और इसे ठंडा करते हैं। हमें क्या करना है, ये जो प्याज है इसे हमें करना है साइड में, और तेल को हम इस तरह कर लेंगे। ये देखिए, और इस तरह दबा दबा के हम अपना तेल निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से, ये देखिए। और इसके लिए हमें क्या करना है, ताकि कचरा ना आए, तो हमें लेनी है कटोरी, और इसके ऊपर रखते हैं हम चलनी, और इसको इसके अंदर छानते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने छान लिया है। और इसको यूज हम कहाँ करेंगे वो बताते हैं। और फ्रेंड्स, ये तेल बहुत अच्छे फ़ायदेमंद है, आप इसको एक बार ज़रूर यूज करके देखें। और फ्रेंड्स, यहाँ हमने ली है वैसलीन। वैसलीन भी ज़्यादातर सबके घर में मिली जाती है, और हम इसमें से थोड़ी सी वैसलीन लेते हैं और इसके अंदर मिलाते हैं। तेल हल्का गुनगुना होना चाहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। यूज करने वाले वो मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे क्या होती है, टांगों की पिंडियाँ जो होती हैं वो अकड़ जाती हैं, और नसें खड़ी हो जाती है। जैसे हमारे हाथ में ये नस दिखाई दे रही है, ऐसी हमारे टांगों की पिंडी में दिखाई देने लग जाती है, और दर्द भी होता है। तो हम इसकी मसाज वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए, और मैं हाथ पे आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो आप हफ्ते में 2-3 बार इस मसाज को करेंगे तो आपकी पिंडियों का दर्द कम हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये रेमेडी घरेलू वाली है, कोई आपके शरीर पर डिफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और आराम ही देगा। मेरे चैनल को कमेंट करिए, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।